दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। कोरोना का तीसरा मामला, पूरी पंचायत सील, प्रधान, उपप्रधान, पंच, सचिव होम क्वारंटीन। कोरोना पॉजिटिव महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आने से कंटेनमेंट और बफर जोन के लोगों को राहत। कोविड-19 के खात्मे तक जारी रहेगी सैनिटाइजेशन, लोगों को बचाव के लिए किया जा रहा जागरूक। ऊना में आज आएगी 188 कोरोना सैंपल की रिपोर्ट, लगातार मामले बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल। पीपी किट और कोरोना उपकरणों की खरीद घोटाले पर घेरी भाजपा, नाहन में डीसी ऑफिस के बाहर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। नगर पंचायत सरकाघाट के वार्ड 4 कलस में कोरोना का तीसरा मामला आने के बाद बाजार और पूरी नगर पंचायत सील कर दी गई है। चार नाकों पर पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। ये चार नाके जमसाई, टटी वार्ड, डबरोग और जमसाई में लगाए गए हैं। कंटेनमेंट और बफर जोन से किसी को भी अंदर आने और बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं लोग घरों में कैद हो गए हैं। मरीज के परिवार और उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं मरीज के भाई जो उपप्रधान हैं के संपर्क में आने वाले सभी वार्ड पंचों, प्रधान सचिव और अन्य लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। जिला कुल्लू के भुंतर में कोरोना पॉजिटिव महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आने के साथ ही यहां के कंटेनमेंट और बफर जोन के लोगों को राहत मिल गई है। भुंतर नगर पंचायत, शुरोट पंचायत और खोखंड के जिन 5 वार्डों को बफर जोन में डाला गया था उनमें गतिविधियों को करने की छूट मिलने आरंभ हो गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में कुछ ढील तो मिली है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से इसे खोलने के लिए जिला प्रशासन के निर्देशों का इंतजार चल रहा है। प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार जल्द ही इस बारे में निर्देश जारी होने की आस है। किन्नौर में JSW हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड द्वारा इस महामारी के दौर में जिला के सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ये काम कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट प्रवीण पुरी व परियोजना सुरक्षा अधिकारी नितिन गुप्ता की अगुवाई में हो रहा है। इसी कड़ी में कंपनी द्वारा टापरी बाजार, बस स्टैंड, अस्पताल, सार्वजनिक स्थानों व उड़नी क्वारंटीन सेंटर ITI भवन को भी सैनिटाइज कर रोगाणु मुक्त किया जा रहा है। सभी परम आदरणीय किन्नौरवासी और हमारे देशवासियों को मेरा नमस्कार। जहां पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, वहां हमारा प्रदेश और जिला किन्नौर भी इससे अछूता नहीं रहा। इंस्टीट्यूशनल ITI क्वारंटीन, जो हमारा ITI में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन था, वहां भी 2 कोरोना पॉजिटिव मामले आए थे। हम आशा करते हैं कि वो भी जल्दी स्वस्थ हो जाए। हमारी JSW हाइड्रो की फायर सेफ्टी टीम भी यत्न कर रही है कि हम कैसे इसकी रोकथाम पे अपना सहयोग दे सकते हैं, जिसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और समय समय पर सैनिटाइजेशन, डिसइंफेक्शन किया जा रहा है पब्लिक प्लेसेस का। जिस प्रकार हमने रविवार को, मंगलवार को किलबा, करछम, बालट्रंग, टापरी, सोल्टू, सभी पब्लिक प्लेसेस को हमने अपने फायर टेंडर के उससे सैनिटाइज किया, डिसइंफेक्शन किया और लोगों को जागरूक किया। जब तक ये महामारी खत्म नहीं होती, तब तक हम JSW हाइड्रो के सभी कर्मचारी प्रतिबद्ध हैं कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें और देश के लिए भी कुछ कर सकें, जागरूक भी करते रहें और अपने आप सभी आदेशों का पालन भी करते रहें। जय हिंद, जय सुरक्षा, जय भारत। जिला ऊना में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऊना में मंगलवार को 4 लोगों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए थे। एक व्यक्ति का 10 दिन के बाद टेस्ट पॉजिटिव आया है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ से लोगों में दहशत बरकरार है। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना की ओर से अब तक 5,502 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इसी कार्रवाई में आज जिला से 188 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आज शाम तक आएगी। हमारे 4 नए केसेस आए हैं। एक हमारा फॉलोअप केस था, वो भी पॉजिटिव रहा है 10 दिन के बाद। तो इन 4 को हमने फिर वहाँ खट में शिफ्ट किया है। इनमें 2 जो थे वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे और बाकी बाहर से आए हुए, दिल्ली से आए हुए। आज कितने सैंपल भेजे हैं? आज हमने 188 सैंपल भेजे हैं और अभी हमारे टोटल जो हैं 5,502 सैंपल जो हैं हम अभी तक कर चुके हैं और 188 आज गए हैं। सुबह उनकी रिपोर्ट शाम को आएगी। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में पीपी किट व कोरोना स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में घोटाले को लेकर विपक्ष भाजपा सरकार पर हमले कर रहा है। इसको लेकर आज जिला मुख्यालय नाहन में युवा कांग्रेस ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान राज्यपाल हिमाचल से खरीद घोटाले को लेकर न्यायिक जांच की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दें, इसके लिए भी ज्ञापन सौंपा। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मनीष ठाकुर की अगुवाई में युवा कांग्रेस की जिला इकाई के सभी सदस्य यहां मौजूद रहे।
वहीं वरिष्ठ न्यायाधीश से पीपी किट प्रकरण की जांच करवाई जानी चाहिए। प्रदेश की जनता सरेआम देख रही है, जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसको आप अंदर करो, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है। चुनाव से पहले आप कुछ और करते हो और चुनाव के बाद आप कुछ और बातें करते हो। चुनाव से पहले आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हो और चुनाव के बाद आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास अधिकार है, आप उन अधिकारों का यूज करो। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने घोटाले किए, जो गलत काम कर रहे हैं उनको आप जेल के सलाखों के पीछे डालें।